आज हम क्वेश्चन 32 देखेंगे, 32 क्वेश्चन 32। ये पार्टनरशिप सेकंड रिलेशन यानी एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें आप देखेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, वो नए आने वाले पार्टनर का गुडविल का जो हिस्सा होता है उनका, वो बिजनेस से निकाल के लेते जाते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस है ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो ये बैलेंस शीट आपके सामने दी हुई है, यहाँ देखिए ए बी और सी का बैलेंस शीट है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 3:2:1। ठीक है, अच्छा ये 31/12/2018 का बैलेंस शीट है। तो ध्यान से देखिए, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में देखिए ए बी और सी तीन पार्टनर्स पहले से हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए का कैपिटल जो है वो 30,000 है, बी का कैपिटल 20,000 है और सी का कैपिटल 10,000 है। ठीक है, ये आपने देखा। यहाँ पे देखिए संचय रिजर्व्स हैं 29,800 के, क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे 6,200 का, बीपी है बिल्स पेबल 4,000 का। यहाँ देखिए लैंड और बिल्डिंग एसेट साइड में दिया हुआ है, फर्नीचर्स एसेट साइड में दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है और कैश है। मीन्स ये आपका बैलेंस शीट है। आइए अब इसके एडजस्टमेंट को देखते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ देखिए डी मीन्स जो नया आने वाला पार्टनर है उसका नाम क्या है, डी है। तो डी अपने 1/6 हिस्से के लिए 15,000 कैपिटल और 12,000 गुडविल लेके आएगा। ओके, गुडविल जो लेके आएगा उसका आधा यानी हाफ पार्टनर्स निकाल देंगे, मीन्स जो पहले से मौजूद पार्टनर्स हैं वो उसको निकाल ले जाएंगे। ठीक है, जो संचय है यानी देखिए संचय ये है, ये 29,800 इसका आधा, ठीक है, इसका आधा जो भी होगा वो पार्टनर्स निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन होगा। संपत्तियों का जब पुनः मूल्यांकन होगा तो भूमि और भवन 56,000, यहाँ देखिए भूमि और भवन 50,000 दिया हुआ है, 56,000 यानी इंक्रीज हो गया। जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ फर्नीचर्स देख लीजिए, फर्नीचर यहाँ पे 15 दिया है, 12,000 हो गया, एसेट्स कम हुआ तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टॉक देखिए, स्टॉक यहाँ 16,000 दिया है, यहाँ स्टॉक कितना है 20,000, यानी स्टॉक भी कम हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। डेटर्स देखिए यहाँ 7 है, डेटर्स यहाँ कितना है 7,500, ये भी कम हुआ तो इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। यानी इनके बीच का डिफरेंस लिखना है, जैसे 7,000 और 7,500 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए क्रेडिटर है ना 2,300 का, मतलब क्रेडिटर था उसका दावा था 2,300 का, 2,000 उसको पेमेंट किया गया, यानी 300 का तो फायदा हो गया, 300 का फायदा हुआ ना, तो 300 का जो फायदा हुआ उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था पीएनएल एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों को आप दोनों में से कोई भी नाम कह सकते हैं, उसे आपको बनाना है और मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का वीडियो दूंगा, क्योंकि इतना टफ नहीं है पीएनएल एडजस्टमेंट। आपको बहुत से क्वेश्चन पहले ही बताए जा चुके हैं, तो अब आप उसको अपने मन से बनाइए, मैं आगे का वीडियो आपको देता हूँ। सेम एडजस्टमेंट, वही एडजस्टमेंट इंग्लिश में है। डी विल ब्रिंग 15,000 फॉर कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल फॉर हिज 1/6 ईयर। ओल्ड पार्टनर्स विल विदड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल, यानी गुडविल का आधा निकाल ले जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स विल विदड्रॉ हाफ ऑफ द रिजर्व्स, रिजर्व्स का भी आधा निकाल ले जाएंगे। एसेट्स को रीवैल्यूएट किया गया, तो देखिए 56,000 लैंड और बिल्डिंग का, फर्नीचर का 12,000, स्टॉक का 16,000, डेटर्स का 7,000। ओके, और यहाँ पे देखिए 2,300 के क्लेम के लिए केवल 2,000 रुपया पे किया गया। ठीक है, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एडजस्टमेंट हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखें। ये देखिए ये आपका पार्टनर्स कैपिटल बना हुआ है। आइए दिखाते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से बैलेंसेस गए। सबसे पहले आपको पता है कि हम कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं जो कि 30,000, 20,000, 10,000 है, तो मैंने उसको 30, 20 और 10 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, आपको पता ही है पहले से कि कैपिटल जो लेके आता है ना, जो नया पार्टनर है वो जो कैपिटल लेके आएगा उसको लिखते हो। देखिए 15,000 कैपिटल लेके आया है, 15,000 हमने कैपिटल बाई बैंक लिख दिया।
उसके बाद यहाँ देखिए ये जो है ना ख्याति के लिए भी 12,000 लेके आया है। यहाँ ध्यान दीजिए, ख्याति के लिए 12,000 लेके आया है। इस 12,000 को ये पार्टनर्स जो है ना अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए नया तो दिया नहीं है, जब नहीं दिया होता है नया और ऐसे लिखा होता है कि 1/6 के लिए आया है, तो जो ओल्ड होता है ना उसी को सेक्रीफाइसिंग मान लेते हैं। तो इसको 3:2:1 में जब हमने बांटा तो देखिए 6,000, 4,000 और 2,000 आ गया जब बांटने पे। अब देखिए संचय, आपको पता है ना संचय, संचय को भी बांटा जाता है। संचय देखिए यहाँ पे 29,800 है, तो ये संचय किसको दिया जाएगा? संचय केवल और केवल ओल्ड पार्टनर्स को ही दिया जाता है, नए को उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसको मैंने बांटा किस में? 3:2:1 में, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं इसको। देखिए 14,900 इनके पास आया, 9,934 इनके पास आया और 4,966 इनके पास आया। संचय को कुछ ऐसे बांटेंगे, ये देखिए हमने संचय को बांटा है, 29,800 का संचय था, तो 3:2:1 यानी 3:2:5:16, 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। तो हमने बांटा तो 14,900 ये आया और ये आया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए कहा गया था ना कि आधा संचय जो है वो निकाल ले जाएंगे, आधा संचय यानी जो भी बटा है ए बी और सी, आधा संचय निकाल ले जाएंगे। तो आधा जो हुआ देखिए, जब आधा ए को देंगे तो 7,450 होगा, बी को 4,967 होगा और सी को 2,483 होगा। अरे ये देखिए संचय बांटे हैं ना हम 14,900, इसी का आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया, आधा निकाल ले जाएंगे। तो आधा हमने टू बैंक लिख दिया, टू बैंक गया पैसा, ओके। अब देखिए गुडविल भी आया था, गुडविल को भी आधा निकाल ले जाएंगे, एडजस्टमेंट में लिखा था। तो जो यहाँ पे हमने बांटा है ना ये देखिए 642, इसी का आधा आधा दे देंगे टू बैंक, 3,000, 2,000, 1,000, ओके निकाल ले जाएंगे। तो डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल में से कम होगा तो डेबिट में लिखेंगे, अधिक होता तो क्रेडिट में लिखते हैं। अब आगे देखिए, अच्छा P&L एडजस्टमेंट जब आप बनाएंगे या रिवैल्यूएशन जब बनाएंगे तो आपका लॉस आएगा, इस लॉस को हमेशा डेबिट में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने इसको डेबिट में लिख दिया। अब आइए दोनों साइड का आप ऐड कीजिए, क्रेडिट साइड वाला अधिक होगा, ठीक है, क्रेडिट साइड वाला अधिक होगा, इसका बैलेंस हम दोनों साइड लिख देंगे। उसके बाद कम वाले को घटा के यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो देखो 39,850 यहाँ आएगा, 26,567 यहाँ आएगा, 13,283 यहाँ आएगा, 15,000 यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल हो गया, होप कि समझ में आया होगा। अब बैलेंस शीट पे आते हैं, ये ओपनिंग फर्म का बैलेंस शीट है जो कि 1/1/2019 को बना है। ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। सबसे पहले आपको पता है कि कैपिटल को लिखते हैं, तो मैंने कैपिटल लिखा। कैपिटल कौन सा लिखेंगे? जो अभी अभी आया है यहाँ पे, ये तो मैंने उन कैपिटल को लिख दिया यहाँ पे। देखिए 39,850, 26,567, 13,283 अभी अभी आया है और 15,000 डी लेके आए हैं, ठीक है। उन सब का टोटल इतना आएगा 94,700, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान है ना, क्रेडिटर्स 2,300 था जिनको मैंने 2,000 पेमेंट किया था, बट लाइबिलिटी तो 2,300 की कम हुई ना, तो इस 2,300 को हम क्रेडिटर्स में से घटा देंगे तो 3,900 हुआ, ओके। बिल्स पेबल 4,000 ऐसे ही दिया है, उसको लिख देंगे। अब आइए एसेट साइड में आइए, लैंड और बिल्डिंग देखिए जो नया वैल्यू दिया है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान दीजिए, यहाँ एडजस्टमेंट में लिखा था ना कि पुनर्मूल्यांकन होकर ये होगा ये होगा ये होगा, तो इसी को सबसे पहले लिखिए। भूमि और भवन का कितना दिया है? 56, या इसका 12,000, इसका 16,000, इसका 7,000, इसी को आप इसको एज इट इज लिख दीजिएगा, ये नई वैल्यू दी हुई है। इसके बाद जो बचता है उसको आप लिखोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, इसी को हम लिख दिए हैं। अब आगे तो वो सब तो वैल्यू हमने लिख दिया। अब ये देखिए बिल्स रिसीवेबल 5,000 दिया था बैलेंस शीट में आपके, बिल्स रिसीवेबल मैंने इतना लिख दिया। अब कैश कैसे आया? गुड क्वेश्चन, कि कैश इतना कैसे आया? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैंने तो ऐसे भी बनाया है बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक कैश अकाउंट बनाइए। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये कैश अकाउंट मैंने बना दिया, ठीक है, कैश अकाउंट ऐसे बना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ये 2,500 कहाँ से आया?
ये 2500 देखिए कैश का पहले से बैलेंस दिया हुआ है 2500, इसी 2500 को मैंने यहाँ लिखा। आपको तो याद ही होगा कि डी जो है 15,000 कैपिटल लेके आया था, 12,000 गुडविल लेके आया था, यानी बिजनेस में जो भी पैसा आएगा उसको डेबिट साइड में और बिजनेस से जो भी पैसा जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी संचय का आपने देखा है कि संचय का आधा पार्टनर्स निकाल ले गए, तो इतना इतना आया था। आप देखिए अपने पार्टनर्स कैपिटल में इतना इतना आया था, तो इसको लिख दिए। साथ ही साथ जो गुडविल, देखिए जी फॉर गुडविल, जो गुडविल का आधा आधा था वो भी पार्टनर्स निकाल ले गए ए बी सी, तो उसको भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्रेडिटर्स जो हैं 2300 का था उनको 2000 पेमेंट हुआ था, तो 2000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि कौन अधिक है, तो डेबिट साइड का अधिक है। कैश का बैलेंस वैसे डेबिट ही आता है, निगेटिव में कैश सामान्यता नहीं आता है, क्योंकि निगेटिव में कैसे कैश हो सकेगा किसी बिजनेस में, खुद सोचिए। यहाँ देखिए डेबिट साइड का 29,500 हुआ, इस 29,500 में जब आपने क्रेडिट साइड का घटाया तो ये आ गया आपका 6600। ठीक है, इसी 6600 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड होने पे आपका टोटल इतना आएगा 1,02,600, 1,02,600। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनको इसकी आवश्यकता है उन्हें। ठीक है, नमस्ते।